स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक टाइगर मास्क इन क्राफ्ट। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक पेस्टल शीट की, तो आप इसके लिए एक A4 साइज पेस्टल शीट भी ले सकते हैं और A3 साइज पेस्टल शीट भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये पेस्टल शीट ले ली है और इसको अभी मैं क्या करूँगी, टू पार्ट्स में इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। अब इसके ऊपर हमें ड्राइंग करनी है इस तरह से, ड्राइंग इसको मैं आधा फोल्ड करके जो ड्राइंग कर रही हूँ, जब मैं इसको ड्राइंग करके कट करके ओपन करूँगी तो ये हमें एक फुल टाइगर मास्क मिलेगा। इसको जब हम टू पार्ट्स में इस तरह से, सो हमारी जो ड्राइंग है वो हो गई है। अब इसको मैं यहाँ बाहर से कट कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं कटिंग। इस तरह से कटिंग करने के बाद, सो स्टूडेंट्स इस तरह से जब मैंने इसको ओपन किया तो ये बन गया हमारा टाइगर मास्क। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर नोज़ और आईज ड्रॉ करनी है। तरह से ड्राइंग करने के उसको पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से आईज़ कट भी कर सकते हैं और हम इसके अंदर ब्लैक स्केच भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम यहाँ पर ब्लैक इस तरह से मार्क बनाते हैं। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं स्केच कलर। तो इसको ब्लैक स्केच कलर भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कलरिंग करूँगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने इनको ब्लैक स्केच किया, या फिर आप कलर भी कर सकते हैं। अभी हमें इसकी नोज़ को स्केच कलर करना है। तो इस तरह से इसकी नोज़ को बनाने के बाद हम यहाँ ये जो मार्क हमने किए हैं इनको स्केच करते हैं। तो इस तरह से ब्लैक स्केच करने के बाद अभी हम इसका मुंह बनाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से टाइगर मास्क बना दिया है। अभी हम अगर इस तरह के मार्क ज़्यादा इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो अभी इसको स्केच करते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ कंप्लीट अवर वर्क। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम चाहें तो ये आईज़ जो हमने बनाई हैं इनको हम कट भी कर सकते हैं एंड कलर भी कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्क। बाय, टेक केयर।